कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में और गुजरात में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने पर भागलपुर भाजपा परिवार द्वारा विजय उत्सव मनाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता इस कदर जश्न में डूबे हुए थे मानो होली, दीपावली और विजयदशमी सभी एक साथ हो। सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते दिखे। वहीं भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि गुजरात में जनता का समर्थन यह दर्शाता है कि 2024 भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। पूरा गुजरात मोदी में है, साथ ही वहां भी चुनाव के परिणाम में बीजेपी हारी है, उस पर विचार किया जाएगा और वैसे शत्रु को दुरुस्त किया जाएगा। जीत के जश्न में सैकड़ों भाजपा के समर्थक सराबोर दिखे। इस जश्न के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। अंदर और बिहार में कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में जो जीत मिली है, गुजरात की जीत तो अपने आप में अभूतपूर्व और अप्रत्याशित यह जीत है कि वहाँ की यह सातवीं बार गुजरात की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और वहाँ पुनः अपार बहुमत के बाद पहली बार इतना जो प्रचंड बहुमत है, इतना भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम हुआ है। और बिहार में जिस प्रकार एक तरफ महागठबंधन में सात दलों के लोग मिले थे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले जो है नीतीश कुमार को यह बताने का काम और तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों ने और कुर्नी विधानसभा के लोगों ने यह बताने का काम किया है कि बिहार के लोगों की क्या इच्छा है। जिस प्रकार से नीतीश जी के और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो अराजकता का बिहार के अंदर माहौल है, जो जंगल राज का दोबारा जो पुनरावृत्ति हो रही है,